नमस्कार बच्चों, आज सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 10 29 तारीख की 29 जुलाई की, जिसमें हम पढ़ेंगे व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों से हम ये पढ़ाएंगे, जिससे कि अच्छी तरह समझ में आ जाए बच्चों के और दोनों की हेल्प हो जाए। रोल ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का, संसद का क्या क्या भूमिका है, क्या रोल है, क्या काम है? व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट, हमें क्यों चाहिए पार्लियामेंट? अवर कंट्री, इसका पहली हेडिंग हम पढ़ रहे हैं, रोल ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की भूमिका, पार्लियामेंट का क्या भूमिका है। अवर कंट्री इंडिया इज डिवाइडेड इंटू मैनी कंस्टिट्यूंसीज, ब्रैकेट के अंदर दिया है, द प्लेस फॉर विच इलेक्शंस आर हेल्ड। कह रहा है अवर कंट्री इंडिया इज डिवाइडेड, हमारा जो देश है भारत, वो कई कंस्टिट्यूंसियों में बटा हुआ है। कंस्टिट्यूंसीज किसे कहते हैं? जैसे जहाँ पर हम, द प्लेस फॉर विच इलेक्शन आर हेल्ड, जिन प्लेस में, जिन चीज़ों के लिए, जिन पदों के लिए चुनाव होता है, उसे बोलते हैं कंस्टिट्यूशंस, कंस्टिट्यूंसी बनते बोलते हैं उसको। जैसे संसदीय कंस्टिट्यूएंसी होती है, और उसकी विधायक की होती है, और पार्षद की होती है। ऐसे जहाँ जहाँ जिस चीज़ के लिए चुनाव होता है, उसे उस चीज़ का क्षेत्र बोलते हैं, क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र। तो उन क्षेत्रों को इंग्लिश में बोलते हैं कंस्टिट्यूएंसीज। वन पर्सन फ्रॉम ईच कंस्टिट्यूएंसी इज सेंड टू द पार्लियामेंट ऑन विनिंग द इलेक्शन। और इलेक्शन जीतने पर हर एक क्षेत्र से एक व्यक्ति को पार्लियामेंट में भेजा जाता है। द कंटेस्टिंग कैंडिडेट आर यूजुअली मेंबर्स ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। जो कंटेस्टिंग माने जो चुनाव लड़ते हैं, वो क्या होते हैं? उम्मीदवार। कंटेस्टिंग कैंडिडेट माने चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी या उम्मीदवार आर यूजुअली, वो क्या होते हैं? आमतौर पर मेंबर्स ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, अलग अलग राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं। आफ्टर बीइंग इलेक्टेड, चुने जाने के बाद, दीज कैंडिडेट्स आर कॉल्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और ये चुने जाने के बाद इन सदस्यों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, एमपी कहते हैं, एमपीज कहते हैं। और पार्लियामेंट इज फॉर्मली फॉर्म्ड बाय दीज एमपी, और इनके, इन एमपीओ के द्वारा पार्लियामेंट का गठन होता है। ये था रोल ऑफ पार्लियामेंट। इसको पार्लियामेंट में आपके समझ में आ गया कि हर क्षेत्र जहाँ से हम कैंडिडेट को चुनते हैं, तो अलग अलग चुनाव के लिए क्षेत्र बटे हुए हैं, उनको कंस्टिट्यूएंसी बोलते हैं। और जहाँ वो पार्लियामेंट के लिए जहाँ से हम भेजते हैं, उसको पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी बोलते हैं। हर क्षेत्र से एक आदमी को वहाँ से जीत के पार्लियामेंट में जाता है, और वो एमपी कहलाता है। और एमपी मिलकर क्या पार्लियामेंट को गठित करते हैं। फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, अब पार्लियामेंट का फंक्शन क्या है? आफ्टर द पार्लियामेंट इज इलेक्टेड, जब पार्लियामेंट इलेक्ट हो जाती है, तो द पार्लियामेंट हैज टू डू द फॉलोइंग थिंग्स। तो निम्न काम का पार्लियामेंट को करने होते हैं। पहला काम है पार्लियामेंट का, टू इलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। अब उसको राष्ट्रीय सरकार को चुनना होता है। जो सरकार होगी, वो फिर, वो जो सांसद चुन के जाएंगे, उनके द्वारा जो पार्लियामेंट गठित होगी, वो सरकार का चयन करेगी। द इंडियन पार्लियामेंट इज मेड अप ऑफ द प्रेजिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। जो भारत की पार्लियामेंट है, वो उसमें तीन हिस्से हैं, एक प्रेजिडेंट है, राष्ट्रपति, दूसरे राज्यसभा, और तीसरी लोकसभा। आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन, लोकसभा चुनाव के बाद, द गवर्नमेंट ऑफ द मेजोरिटी पॉलिटिकल पार्टी इज फॉर्म्ड। तो जो 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 गवर्नमेंट ऑफ द मेजोरिटी पॉलिटिकल पार्टी इज फॉर्म, जिस पार्टी के पास मेजोरिटी होती है, उस पार्टी की सरकार बनती है। समटाइम्स ये कॉलिशन गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड इन द अब्सेंस ऑफ मेजोरिटी। कभी कभी क्या होता है, मेजोरिटी के अभाव में एक कॉलिशन गवर्नमेंट बनती है। कॉलिशन गवर्नमेंट, कॉलिशन गवर्नमेंट मीन्स दो तीन पार्टी मिलके सरकार बनाते हैं। द पॉलिटिकल पार्टीज विच अपोजिज द मेजोरिटी पार्टी इन पार्लियामेंट इज कॉल्ड अपोजिशन पार्टी। और वो पॉलिटिकल पार्टी, वो राजनीतिक दल दलें जो अपोज करती हैं बहुमत वाली पार्टी को, उन पार्लियामेंट के अंदर उनको अपोजिशन कहा जाता है, उनको विपक्षी पार्टियां कहा जाता है। द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द रूलिंग पार्टी। और जिस जो पार्टी सत्ता में होती है, उसके हेड, उसका जो मुखिया होता है, वो प्रधानमंत्री होता है। द प्राइम मिनिस्टर अलेक्ट्स अदर मिनिस्टर सच एज हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, विच टेक चार्ज ऑफ गवर्नमेंट वर्क रिलेटेड टू दीज। तो जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो क्या करते हैं, दूसरे मंत्रियों को चुनते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री। और वो क्या करते हैं, अपने अपने विभागों का वो लेके रिलेटेड काम को देखते हैं, संबंधित काम को सरकार के देखते हैं, अपने अपने विभाग के। दूसरी चीज वो है, इसमें जो पार्लियामेंट का दूसरा काम है, कंट्रोलिंग द गवर्नमेंट इन द सेशन ऑफ पार्लियामेंट। जब पार्लियामेंट चलता है, पार्लियामेंट सेशन के दौरान
एमपीज गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू द क्वेश्चन आवर। तो एमपीज को जो होते हैं जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है उनको सूचना मिलती है कि गवर्नमेंट के कार्यों के बारे में थ्रू क्वेश्चन आवर के दौरान। थ्रू दिस द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। तो इसके द्वारा जो पार्लियामेंट है वो उनको कंट्रोल करती है, थ्रू क्वेश्चन सवाल पूछ के वो उनको कंट्रोल करती है। द गवर्नमेंट इज कॉशियस कॉशन्ड, गवर्नमेंट सावधान इतनी सावधानी बरती है, सावधान होती है पहले से ही, अबाउट दियर शॉर्ट कम्स, अपने कमियों के बारे में गवर्नमेंट हमेशा सावधान रहती है। एंड और जो कमियां होती हैं, जो ड्रॉबैक्स हैं, और जो भी उसमें कमियां और खामियां होती हैं उनके प्रति गवर्नमेंट हमेशा चौकन्ने रहती है। इन दिस वे द गवर्नमेंट ऑल्सो गेट ए चांस टू नो द ओपिनियन ऑफ द पब्लिक थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। जनता के जो प्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से सरकार को एक मौका मिलता है कि जनता के राय जानने का भी मौका मिलता है। आस्किंग द क्वेश्चंस टू द गवर्नमेंट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी एमपी। सरकार से सवाल पूछना किसी भी संसद की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। अपोजिशन पार्टीज ऑल्सो प्ले ए इम्पॉर्टेंट रोल इन द हेल्थी फंक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। जो विपक्षी दल होते हैं वो एक स्वस्थ प्रजातंत्र के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दे ब्रिंग बिफोर द शॉर्ट कमिंग ऑफ द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट। वो उन चीज़ों को आगे लाते हैं जो सरकार की कमियां होती हैं, जो सरकार की नीतियों में खामियां होती हैं, उनको वो सामने रखते हैं। तीसरा है लॉ मेकिंग। तो लॉ मेकिंग इज सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का काम होता है कानून बनाना, भी एक महत्वपूर्ण काम है पार्लियामेंट का। इन पार्लियामेंट लॉ आर बीइंग मेड विथ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस। पार्लियामेंट में जो संवैधानिक तरीके से कानून बनाए जाते हैं। तो तीन चीज़ें इसमें बताई, तो पहला कानून बनाना, दूसरे पार्लियामेंट को गवर्नमेंट को कंट्रोल करना, और तीसरा जो कार्य बताया था वो बताया था कि तो सरकार का चुनाव, गवर्नमेंट का चुनाव करना। तो ये था बच्चों, इसके बाद इसमें चार सवाल हैं और उनको करने से पहले मैं आपको थोड़ा हिंदी में भी इसका बता पढ़ देता हूँ, ताकि जहाँ पे भी कुछ कमियाँ रह गई हों, कुछ खामियाँ रह गई हों, कुछ समझने में आपको दिक्कत आई हो, वो आप अच्छी तरह समझ सकें। तो हमें संसद क्यों चाहिए? पहला है, संसद की भूमिका क्या है? हमारे देश भारत में को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों, कंस्टिट्यूएंसी जो थी, वो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, वह स्थान जिसके लिए चुनाव होता है में बांटा गया है, निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में से एक व्यक्ति का चुनाव जीतने पर संसद, एक व्यक्ति को चुनाव जीतने पर संसद में भेजा जाता है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर अलग अलग राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं। चुने जाने के बाद ये उम्मीदवार संसद सदस्य या सांसद एमपी कहलाते हैं। इन सांसदों को मिलकर संसद बनती है। दूसरा है, ये तो पहला काम था, अब दूसरा है संसद के कार्य क्या होते हैं। पहले तो संसद की भूमिका थी क्या होता है कि हमारे अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र होते हैं और उन निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति चुनकर संसद में जाता है और उसे एमपी कहते हैं, और इनसे मिलकर पार्लियामेंट बनती है, संसद बनती है। अब इसका कार्य क्या होता है संसद का? संसद का पहला कार्य है राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। भारतीय संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा से मिलकर बनती है। भारत की जो संसद है वो तीन चीजों से बनी है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से। लोकसभा चुनाव के बाद बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल की सरकार बनती है। कभी कभी बहुमत नहीं होने पर गठबंधन की सरकार बनती है। संसद में बहुमत प्राप्त दल का विरोध करने वाले राजनीतिक दलों को विपक्षी दल कहते हैं। प्रधानमंत्री सत्ताधारी दल जो शासन करता है उसका मुखिया होता है। प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों के चुनाव करते हैं, जैसे स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, जो इन संबंधित सरकारी कार्यों का जिम्मा संभालते हैं। ये पार्लियामेंट का जो पहला कार्य था। दूसरा कार्य है सरकार को नियंत्रित करना, रखना। सदन संसद के सत्र में सांसद प्रश्नकाल के माध्यम से सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं। इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। सवालों के माध्यम से सरकार को उनकी खामियों और कमियों के लिए आगाह किया जाता है। इस तरह सरकार को भी जनता के प्रतिनिधियों यानी सांसदों के द्वारा जनता की राय जानने का मौका मिलता है। सरकार को सवाल पूछना किसी भी सांसद की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सरकार से सवाल पूछना किसी भी सांसद की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते हैं। तो बच्चों, ये था आपका हिंदी में SST सामाजिक विज्ञान। अब इसमें सवाल है, उनको नीचे किया गया हिंदी और अंग्रेजी में। व्हाई इज पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट फॉर अवर कंट्री? तो इसका आंसर है टू इलेक्ट ए नेशनल गवर्नमेंट, टू कंट्रोल द गवर्नमेंट। जो तीन उसको रोल है पार्लियामेंट के वो इसमें लिखा है। पहला है सरकार का चुनाव करना, दूसरा है टू कंट्रोल द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को नियंत्रित करना, फॉर मेकिंग लॉ, कानून बनाना। और हिंदी में भी वही, हमारे देश के लिए संसद क्यों महत्वपूर्ण है? संसद कानून का निर्माण करना, चुनाव करना और सरकार को नियंत्रित करने के लिए संसद महत्वपूर्ण है।
सेकंड क्वेश्चन है, हाउ इज द नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म्ड? नेशनल गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होते हैं? आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन द गवर्नमेंट ऑफ ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी विथ ए मेजोरिटी इन द लोकसभा इज फॉर्म्ड. गवर्नमेंट क्या होती है? जो आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन द गवर्नमेंट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी विथ द मेजोरिटी इन द लोकसभा इज फॉर्म, जिसकी बहुमत होता है उसकी गवर्नमेंट वहां पर बनती है. समटाइम इन द अब्सेंस ऑफ मेजोरिटी एक कॉलिशन गवर्नमेंट इज फॉर्म, कभी कभी जब बहुमत नहीं होता तो एक मिलीजुली सरकार, गठबंधन की सरकार भी बनती है. राष्ट्रीय सरकार कैसे बनती है? राष्ट्र लोकसभा चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली राजनीतिक पार्टियों की सरकार बनती है, जिसकी जिस राजनीतिक पार्टी के पास बहुमत होता है उसकी सरकार बनती है, तथा कभी कभी बहुमत नहीं होने पर भी ऊपर गठबंधन सरकार बनती है. क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डज द पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट? अब जो सरकार पर कैसे नियंत्रण करता है पार्लियामेंट? ड्यूरिंग द क्वेश्चन नंबर इन पार्लियामेंट एमपी आस्क क्वेश्चन अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड वन अबाउट द शॉर्ट कमिंग ऑफ द गवर्नमेंट. वो क्वेश्चन अवर्स के दौरान सवाल पूछते हैं और सरकार की कमियों को, सरकार की जो कार्य प्रणाली और नीतियों में कमियों को उजागर करते हैं. इन दिस वे द पार्लियामेंट कंट्रोल द गवर्नमेंट, और इस तरीके से जो पार्लियामेंट होती है वो गवर्नमेंट पर नियंत्रण रखती है. तो संसद सरकार पर कैसे नियंत्रण रखती है? संसद में सांसद प्रश्नकाल के समय सरकार के कामकाज के बारे में प्रश्न पूछते हैं तथा सरकार की कमियों को आगाह करते हैं. इस प्रकार संसद सरकार पर नियंत्रण करते हैं. और चौथा और अंतिम क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक पार्लियामेंट इज इम्पोर्टेंट टू अस? तुम कैसे सोचते हो कि पार्लियामेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है? टू रेज द वॉइस ऑफ पीपल, इसके माध्यम से जनता की आवाज़ उठाते हैं. टू अलग द नेशनल गवर्नमेंट, ये राष्ट्र की सरकार चुनने में मदद करता है. टू कंट्रोल, सरकार को नियंत्रण करने में. टू कंट्रोल द गवर्नमेंट, सरकार को नियंत्रित करता है. और टू मेकिंग लॉ, ये कानून बनाने में मदद है, इसलिए ये संसद इम्पोर्टेंट है. तो आपके अनुसार संसद हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि ये कानून का निर्माण करती है, जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने तथा चुनाव कराने और सरकार को नियंत्रित करने के लिए संसद हमारे लिए बहुत जरूरी है. तो बच्चों ये था, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन भी दबाइए, जब ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके. और अगर इसके नीचे जो वीडियो है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर नीचे एक लिंक दिया है, उस लिंक को क्लिक करके आपको इसके क्वेश्चन आंसर डिटेल से मिल जाएंगे. और उसके नीचे एक और लिंक है प्लेलिस्ट की, उस प्लेलिस्ट में हमने जितने भी वर्कशीट हैं सबके वीडियोस डाल रखे हैं आपके पाठ्यक्रम के, क्लास 9th के. तो उसको क्लिक करके आपको पूरा पाठ्यक्रम भी मिल जाएगा. अगर इसमें अगर आप कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो उसके लिए नीचे कमेंट्स लिखें. अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें.